कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे जिसमें एक बार फिर से मेटल बाजार के बारे में। आज जानेंगे हफ्ते की शुरुआत में हफ्ते के पहले दिन किस तरह का कारोबार मेटल बाजार में देखा जा रहा है। बात करेंगे दिल्ली मेटल बाजार के साथ साथ मुंबई के बाजार के बारे में। जानेंगे LME और M6 में किस तरह का कारोबार और ट्रेंड बाजारों में देखा जा रहा है। जानेंगे आज का उतार चढ़ाव और आज की कीमतें। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मेटल बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो एक्सपायरी देखी जा रही है बाजारों में। जो मंथ एंड होता है यानी 25 तारीख से लेकर जो महीने के आखिरी दिन होते हैं 31 या 30 तारीख तक, तो मंथ एंड चलता है और मेटल बाजार में मंथ एंड में उन दिनों M6 में सौदे करते हैं। तो एक्सपायरी का असर आप बाजारों पर देख कर चल सकते हैं। एक्सपायरी की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के साथ बाजारों में कारोबार देखा जा रहा है, लेकिन हालांकि ज्यादा गिरावट की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब उसको देखते हुए आज की कीमतों के बारे में बात करते हैं। कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो कॉपर में LME की जो कीमतें रही हैं वो 7,414 रुपए रही हैं और 426 रुपए M6 का रेट कॉपर में देखा गया है। एल्यूमिनियम की कीमतें LME में 2429 रुपए रही हैं, 209 रुपए M6 का रेट एल्युमिनियम में देखा गया है। लेड की कीमतें 2000 रुपए LME में रही हैं और 189 रुपए M6 का रेट लेड में है। जिंक के बारे में अगर बात करते हैं तो 2986 रुपए LME की कीमतें जिंक में है, 270 रुपए M6 का रेट आप जिंक में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड यानी सोने के बारे में अगर बात करी जाए तो 1725 रुपए 20 पैसे कॉमन की कीमतें सोने में देखी गई हैं और 50,625 रुपए आप M6 का रेट सोने में देख कर चल सकते हैं। सिल्वर के बारे में जान लेते हैं तो सिल्वर यानी चांदी में 18 रुपए 52 पैसे कॉमन की कीमतें हैं और 54,867 रुपए आप M6 का रेट सिल्वर यानी चांदी में देख कर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल में बाजारों में गिरावट देखी गई है, क्रूड ऑयल में जबरदस्त गिरावट आई है आज बाजार खुलने के साथ। कॉमर्सक लेवल क्रूड ऑयल में 94 रुपए और 7,520 रुपए M6 का रेट क्रूड ऑयल में देखा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं दिल्ली मेटल बाजार के बारे में। तो दिल्ली मेटल बाजार में भी एक्सपायरी की वजह से ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग को देखते हुए कारोबार हुआ। कॉपर सुपर एचडी की कीमतें 692 रुपए, कॉपर केबल स्ट्रिप का रेट 665 रुपए रहा। कॉपर आर्मेचर की कीमतें दिल्ली मेटल बाजार में 656 रुपए, एल्युमिनियम बर्तन का रेट 176 रुपए देखा गया। एल्युमिनियम वायर स्ट्रिप के बारे में बात करी जाए 206 रुपए एल्युमिनियम वायर स्क्रैप की कीमतें रही। एल्युमिनियम पुर्जे का रेट 152 रुपए देखा गया। जिंक के बारे में अगर बात करते हैं 282 रुपए जिंक हिंदुस्तान की कीमतें दिल्ली मेटल बाजार में रही। लेड की कीमतें 175 रुपए देखी गई, LIBT का रेट 186 रुपए रहा। बैटरी स्क्रैप की कीमतें 95/113 रुपए रही। निकल का रेट 1970 रुपए रहा। टिन आगे की कीमतें 2220 रुपए देखी गई। ब्रास पीतल के बारे में बात करते हैं, 470 रुपए ब्रास पीतल की कीमतें रही और एसएस बर्तन स्क्रैप का रेट दिल्ली मेटल बाजार में बाजारों में 60 रुपए देखा गया। इसके बाद अगर मुंबई के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो प्रॉफिट बुकिंग को देखते हुए यहां पर भी कारोबार हुआ है। मुंबई में कॉपर केबल स्क्रैप की कीमतें 627 रुपए, कॉपर आर्मेचर का रेट 618 रुपए देखा गया। ब्रास स्क्रैप की कीमतें 450 रुपए, एल्युमिनियम टेंशन स्क्रैप का रेट 159 रुपए देखा गया। जिंक इंगट की कीमतें 282 रुपए, लेड इंगट का रेट 183 रुपए रहा। टिन इंगट की कीमतें 2222 रुपए देखी गई और निकल कैथोड की कीमतें बाजारों में 1950 रुपए मुंबई के बाजारों में देखी गई। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। तो कॉपर में जो एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बाजारों में है वो 652 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 665 रुपए है। लेड में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल आप 174 रुपए देखकर जा सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल 176 रुपए लेड में देखा गया है। जिंक में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 270 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 282 रुपए है। और निकल के बारे में अगर बात करी जाए, निकल में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 1940 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल बाजारों में 2000 रुपए देखा गया है। तो बाजारों में जो एक्सपायरी है उसके असर की वजह से बाजारों में गिरावट देखी जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट आ रही है। और साथ ही गिरावट आने की एक वजह और है कि क्रूड ऑयल में गिरावट देखी गई है, जिसका असर हर तरह के कमोडिटी बाजार पर देखा जा रहा है और मेटल बाजार पर भी इसका इसी तरह का असर पड़ा है। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो बाजारों में हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, जो अच्छा खासा कामकाज है वो आपको अगले महीने की शुरुआत से देखने को मिलेगा, एक्सपायरी के बाद देखने को मिलेगा। और इसको देखते हुए अगर खरीदारी या बिकवाली की बात करते हैं तो बाजारों में अगर आपको कहीं गिरावट मिलती है, एक अच्छे लेवल मिलते हैं खरीदारी करने के, तो बेस मेटल में आप उस गिरावट को देखते खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन लंबी चौड़ी खरीदारी करने के लिए आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगले महीने बाजारों में महीने की शुरुआत में ही आपको अच्छा खासा कामकाज देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए इसी तरह से आपको थोड़ा बहुत ही कामकाज बाजारों में देखने को मिलेगा। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।